that is unit 4, chemical bonding and molecular structure. ठीक है, chemical bond कैसे बनता है बेटा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने अपने 10th में पढ़ लिया था. ठीक है ना, आपने 10th में ionic bond, covalent bond पढ़े हुए थे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दोबारा बेटा वैसे ही ionic bond के बारे में पढ़ेंगे, covalent bond के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, हम इसमें covalent bond के structures के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कैसे structure बनते हैं. ठीक है, ये चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगी. ठीक है, आप शेप्स पढ़ेंगे इसमें मॉलिक्यूल्स की. ठीक है ना, कंपाउंड्स की शेप पढ़ेंगे, तो वो शेप्स आपको इनऑर्गेनिक में सब जगह इस्तेमाल करेंगे. आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अगर ये चैप्टर डिटेल में जिस बच्चे को आ गया, वो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेटा. नॉट ओनली प्लस वन, पर प्लस टू में भी ये चैप्टर बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए. तो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, और अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को आपने समझना है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनता है बेटा, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और है क्या ये केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर. ठीक है, ये एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा दो एटम्स के बीच में, कुछ सच में कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है. ठीक है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बांध के रखती है. ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, केमिकल बॉन्ड बोला बेटा. केमिकल बॉन्ड अलग अलग तरह के होते हैं बेटा. अगर एटम्स के बीच में हो रहे हैं, सिमिलर और डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहे हैं, तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं हम. ठीक है, इंटर एटॉमिक में आप आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, और मेटालिक बॉन्ड भी इसमें ही आता है, पर मेटालिक बॉन्ड इज इन योर प्लस टू क्लास. ओके, और इंटर मॉलिक्यूलर में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे बेटा. इंटर मॉलिक्यूलर में हम वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं बेटा. जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती है, तो उनके बीच में क्या होती है बेटा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो केमिकल बॉन्ड क्या बताया मैंने, केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर. अलग अलग एटम्स को क्या कर रही है, ये बांध के रख रही है बेटा. ठीक है, और रीजन क्या है केमिकल बॉन्ड को बनने का, सो देयर आर टू रीजंस. फर्स्ट वन इज टू अक्वायर लोकल गैस कॉन्फिगरेशन, और ये बात आपने पढ़ी हुई है ना. ठीक है, कि सब लोगों, सब लोगों को नहीं, सॉरी सब एलिमेंट्स को किसके जैसे बनना है, लोकल गैसेस के जैसे बनना है. तो उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो क्या चाहते हैं कि लोकल गैसेस के जैसे हो जाए, या तो ड्यूप्लेट पूरा हो जाए. ठीक है ना, ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट किसके केस में आता है, हाइड्रोजन के केस में. तो उसको क्या बनाना है, हीलियम, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन है, तो उसको क्या करना है, टू इलेक्ट्रॉन्स करने हैं. ठीक है, या तो वो ड्यूप्लेट पूरा कर दे, या तो क्या करते बेटा, ऑक्टेट पूरा कर दे. ऑक्टेट माने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, आठ हो जाए, जैसे जैसे जुगाड़ करके आठ हो जाए. इसके लिए चाहे आपको लेना पड़े इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन देने पड़े, चाहे शेयरिंग करने पड़े, पर क्या हो जाए, जुगाड़ हो जाए, और क्या हो जाए, और फिर क्या हो जाए आपका, एलिमेंट्स का पूरा हो जाए बेटा. इसी जद्दोजहद में वो क्या करता है बच्चे, बॉन्डिंग करता है. ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है. ठीक, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो बेटा जब भी बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने के साथ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से उस कंपाउंड में क्या आती है बेटा, स्टेबिलिटी आती है. तुमने वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे क्या होती है, हाई होती है. ठीक है ना, जैसे हम डाउन जाते रहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती रहती है. ठीक है, तो हाई एनर्जी कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकती, हमें हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहना है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना है. ओके, सो एनर्जी मिनिमम चाहिए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम चाहिए. और मिनिमम एनर्जी के लिए बेटा क्या होगा, बॉन्ड आपस में कंबाइन करते हैं, ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए और वो ज्यादा स्टेबल हो जाए. सो दो रीजन है केमिकल बॉन्ड के बनने के लिए, एक मिनिमम एनर्जी एंड एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ओके, सो इस तरह से अगर
एशियन में 2 फिर 8 एंड 7, तो क्या बॉन्डिंग में न्यूक्लियस का कोई रोल है? कोई नहीं। इसका है लो, 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, नहीं कौन इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ लास्ट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बेटा बॉन्डिंग के लिए। तो इनको क्यों ना हम एक ही एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर लें, ये सारी एक चीज हो जाएगी और बाहर से जिनके साथ हमें काम है वो हम क्या करेंगे अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने बोला हम क्या करेंगे एलिमेंट लिख देंगे, मान लो जैसे क्लोरीन इधर, तो क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऐसे सर्कल में लिख दो या ऐसे लिख दो। तो ये जो पूरा ये हो गया, ये आपके क्या हो गया, ये हो गया कर्नल। कर्नल का क्या मतलब, इस सर्कल में आपके न्यूक्लियस आ गया और कौन आ गया बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। ये सर्कल मतलब आपका न्यूक्लियस भी आ गया और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, इसको क्या बोला बेटा, कर्नल बोला। कर्नल का याद रखना बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग में काम आएगा, ठीक है। अब बाहर कौन बचे, आउटर मोस्ट, जिनसे हमें लेना देना है कि बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से डॉट्स के साथ उनको रिप्रेजेंट करेंगे, दो दो टॉप साथ में लिखते हैं हम, है ना, ये तो टेंथ में पढ़ा नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे जब हमने क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये लुईस नीली ने ऐसा बोल दिया, तो चलो ठीक है, उनकी बात भी मान लेते हैं, ठीक। अब बॉन्डिंग एक आधा बॉन्ड बना भी देते हैं, सबसे पहले हमने केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वी विल टॉक अबाउट योर आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड, ओके। सो आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है, आयनिक बॉन्ड है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटाइन एंड अनायन, कटाइन एंड अनायन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कटाइन एंड एनायन, ठीक है, इन अ आयनिक कंपाउंड इज योर आयनिक बॉन्ड, इन एन आयनिक कंपाउंड इज योर आयनिक बॉन्ड। तो जब एक कटाइन और एक एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो जुड़ के रहते हैं बेटा, तो दैट इज योर आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लो हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, एटॉमिक जेड कितना है, लेवल जेड इज योर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। यहाँ पे आपने क्लोरीन ले लिया, जेड इज 17, 287, ठीक है। अब लुईस ने कैसे सिंबलाइज करने को बोला था, 28 और न्यूक्लियस क्या हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाहर आउटर मोस्ट को इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देते, क्लोरीन बेटा 28 और न्यूक्लियस ये क्लोरीन में ही आ गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट करते, अच्छा क्रॉस कर देते ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना, जैसे डॉट से ही रिप्रेजेंट होता है, लेकिन क्रॉस में इसलिए कर दिए ताकि आपको पता लग जाए कि क्लोरीन के हैं इलेक्ट्रॉन और सोडियम। अब अच्छा देखो सोडियम को करना ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, तो उसको तो चाहिए इस एक से छुटकारा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 7 उसको देगा कौन, और 7 लेने के लिए इतनी एनर्जी चेंज तो कहां बर्दाश्त करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलेगा कोई ले लो मेरे से, यहाँ पे क्लोरीन है बेटा इसके आउटर मोस्ट में 7 है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोलेगा हाँ जी दे दो मेरे को, तो यहाँ से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, यहाँ पे 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बेटा, क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ क्या बन गया, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रह गई, 2 8, क्लोरीन क्या आ गया, Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ गई, 2 8 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गई नियॉन की और ये आर्गन की, नियॉन और आर्गन आज नोबल गैस है ना, तो ये देखो बन गया ना नोबल गैस, Na पॉजिटिव बन गया नोबल गैस, Cl नेगेटिव बन गया नोबल गैस, पर ये दोनों अलग नहीं हो पाते बेटा, इलेक्ट्रॉन जब इधर डोनेट करता है तो ये बंधे रह जाते हैं दूसरे के साथ, तो जब ये क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू,
कैटायन एंड एनायन, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या होती है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये. तो दिस फोर्स होल्ड्स अ कैटायन एंड एनायन टुगेदर एंड दिस इज योर आयनिक बॉन्ड. समझ आ गया बेटा? तो ये क्या बन गया आपका? एक आयनिक बॉन्ड बन गया. ठीक, तो इसको अपन पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये 10th का टॉपिक है बेटा, यहां से करा हुआ है. ठीक, एक और करवा देती हूं आपको कि कैसे बॉन्डिंग होती है इन केस किसी बच्चे ने अगर नहीं किया हो. जैसे हमने क्या बनाना है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है. ये आयनिक बॉन्ड है तो ये कैसे बना हुआ होगा? तो मैग्नीशियम बेटा Z12 आउटर मोस्ट में कितने आए? दो इलेक्ट्रॉन. 2 8 2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन. हेयर इज योर ऑक्सीजन, जेड इज 8, तो 2 and 6. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटैन करने के लिए. आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब मैग्नीशियम को ये 2 इलेक्ट्रॉन देने, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस ऑक्सीजन को दे देगा. मैग्नीशियम अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आया? 2 पॉजिटिव. 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसके पास. और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो उसके पास क्या आ गया? ओ नेगेटिव आ गया बेटा. ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 and 8 और ये आ गई आपकी 2 8. दोनों की नियॉन नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई बेटा. ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है? इसके पैरों में, इसके पैरों में. ठीक है ना, तो लेकिन जब सिमिलर चार्जेस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. फॉर्मूला बन जाएगा MgO. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जिसने बांध के रखा है, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इस तरह से आपके क्या बनते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए बेटा कुछ कंडीशंस तो जरूरी होंगी. ठीक है, अब कोई भी चीज बनती है आपसे तो कोई ना कोई कंडीशन तो जरूरी होती है ना उनको बनने के लिए. ठीक है, कंडीशन इन द सेंस कि आप जैसे कुछ ना कुछ तो क्वालिटी, जैसे अब कोई अगर किसी चीज में है तो कोई ना कोई प्लेयर, जैसे कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है तो उसको बास्केटबॉल आता होगा ना, तभी वो बास्केटबॉल प्लेयर होगा. तो वैसे आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए भी बेटा कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि पीरियोडिक टेबल में सारे आयनिक बॉन्डिंग करे जा रहे, ऐसा तो है नहीं. ठीक है ना, तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है जो किसी एटम्स को क्या करती है? आयनिक बॉन्ड बनवाती है बेटा. ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या आ जाएगी? फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग, तो फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी, दैट इज फर्स्ट कंडीशन पे है कि जो केटाइन बनना है, जो एटम क्या बनाएगा बेटा? केटाइन बनाएगा, दैट मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. और इसका क्या मतलब हुआ? अब केटाइन कौन बना? केटाइन बना सोडियम, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया. जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होगा बेटा? वो केटाइन होगा. तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए. अब खुद ही इमेजिन करो बेटा, सोडियम है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है बेटा. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है ना, टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट गैसियस एटम. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एनर्जी चाहिए, तो सोचो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी किसी को, तो इतनी एनर्जी कहां से आएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो झट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए. ठीक है, कम होगी तो झटपट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. ये तो यही चाहेगा ना कि झट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो झट से रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए. तो केटाइन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? लो होनी चाहिए. सेकंड, जो आपका एनायन बना रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? आपके अभी पीरियोडिक टेबल में करवाया मैंने आपको कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बेटा तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है ना, ठीक. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई से क्या समझना? मतलब मैंने ये आपको क्या बताया था, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. सोचो इलेक्ट्रॉन
निरंतर कर रहा है। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही एटम की एनर्जी मतलब एनायन की एनर्जी कम रह जाएगी और उतना ही एनायन क्या होगा बच्चा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये तो एक क्या है नेगेटिव साइन में होता है एनर्जी रिलीज है ये और दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज मस्ट बी हाई और एनर्जी नीडेड मस्ट बी लो। तो लो एनर्जी कितनी होती है एल्केली मेटल्स की होती है बेटा। तो एल्केली मेटल जनरली आयनिक कौन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होती है ज्यादा हैलोजन्स की। ठीक है, तभी तो एल्केली मेटल्स और हैलोजन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं आयनिक बॉन्डिंग करते हैं बेटा। और तीसरी चीज बेटा जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे दैट इज लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी आप एनर्जी लेके चले बेटा। वैसे तो हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में एंथैल्पी पढ़ेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, ओके, सो लैटिस एंथैल्पी बेटा। लैटिस क्या होता है, लैटिस माने क्रिस्टल। तो आयन क्या होते हैं, एक लैटिस टाइप में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। तो लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होता है, लैटिस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब झट से आयन बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ठीक, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है ना, तो एनर्जी जब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब क्या होता है एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं फ्री आयंस, सॉरी एटम्स नहीं फ्री आयंस कंबाइन करके क्या बनाते हैं एक लैटिस स्ट्रक्चर क्रिस्टल बनाते हैं वन मोर क्रिस्टल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फ्री आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मोर ऑफ क्रिस्टल। डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बेटा लैटिस जब बनता है बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द फ्री आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस और इसको सिंबलाइज करते हैं बेटा यू से। ठीक है, इसे सिंबलाइज करते हैं यू से। सो क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द फ्री आयंस कंबाइन फॉर्म वन मोल ऑफ लैटिस। फ्री आयंस कौन है, जैसे एनए पॉजिटिव बन गया सीएल नेगेटिव, ये फ्री आयंस है बेटा। जब ये कंबाइन करके एनएसीएल बनाएंगे ठीक है, तो वन मोल एनएसीएल का क्रिस्टल जब बनेगा तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी बेटा दैट इज योर लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना, कई बुक्स में जैसे लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द टू ब्रेक डाउन द लैटिस। तो जब हमने एनए और सीएल को जब एनएसीएल को तोड़ना है बेटा तो एनर्जी जो चाहिए वो भी लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, और वो एनर्जी रिक्वायर होगी लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए, वन मोल ऑफ लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी, और बनाने के लिए भी लगेगी तो दैट इज एनर्जी रिलीज। जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब तोड़ेंगे तो एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द फ्री आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ लैटिस क्रिस्टल लैटिस। लेकिन फ्री आयंस और फ्री आयंस मस्ट बी इन गैसियस गैसियस स्टेट में होने चाहिए ये फ्री आयंस बेटा, तभी कंबाइन होंगे। ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी क्या है, किससे डिजाइनेट करते हैं हम यू से, हम इसको सिंबलाइज करते हैं बेटा। ओके, इट इज सिंबलाइज इज यू। और लैटिस एंथैल्पी बेटा हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि कोई भी एक पर्टिकुलर साथ में एनए और पॉजिटिव जुड़े और लैटिस एंथैल्पी निकल गए। लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए बेटा एक जो थे साइकिल है जिसको बोलते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बॉन्ड हेबर साइकिल टू डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पी, डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पी बाय बॉन्ड हेबर साइकिल।
यहाँ पे क्लोरीन का हमें क्या मॉलिक्यूल चाहिए, हाफ सॉरी वन मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ से इसको किससे डिवाइड कर दिया, मतलब क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल लिया हमने, हाफ मॉलिक्यूल लिया ना, अभी तो एक एटम बनेगा, समझ आया ना आपको, क्लोरीन Cl2 है 1/2 लिया इसका, तो इतनी एक एटम यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, समझ आया। तो अब बच्चे अब देखो Na और Cl से NaCl बन रहा है, NaCl क्रिस्टल बन रहा है, तो इसमें जो एनर्जी चेंज हो गया तो क्या वो आपकी लैटिस एंथैल्पी है, नो दैट इज नॉट योर लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी फ्री आयंस के है और फ्री आयंस गैसीय स्टेट में है, और ये देखो यहाँ पे सोडियम किसमें है, सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन गैसीय स्टेट में, ठीक है ना, क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आयनिक फॉर्म में थोड़ी नहीं है, ठीक है, तो इनको पहले चेंज करेंगे बेटा, तो देखो सोडियम पहले किससे चेंज होगा बेटा, गैसीय स्टेट में चेंज होगा, तो सोडियम जब गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है तो जो एनर्जी चेंज है वो क्या होगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो पता है ना आपको क्या होता है, सब्लिमेशन नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, व्हाट यू मीन बाय सब्लिमेशन, सो सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, तो सॉलिड आपका गैसियस स्टेट में गया तो डेल्टा एच सब्लिमेशन आया बच्चे, ठीक है, इधर आपका क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है बेटा, तो क्लोरीन को हमने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब क्लोरीन क्लोरीन इस तरह से मिलते हैं, तो हमने बीच में से बॉन्ड को तोड़ दिया और सिंगल क्लोरीन गैसियस फॉर्म में हमें यूज करना है, क्योंकि सिंगल बना ना तो पहले मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, जो एनर्जी आई दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पर अभी भी दोनों क्या है गैसियस स्टेट में तो आ गए हैं लेकिन आयनिक फॉर्म में नहीं आए हैं, तो इनको आयंस में, जब सोडियम को बेटा Na पॉजिटिव, अब बेटा सोडियम गैसियस स्टेट आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये, तो इसको कैटायन में चेंज करा तो अब कौन सी एनर्जी आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी आया ना बच्चे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब ये आयन में गया तो आयनाइजेशन एनर्जी आई, और ये बेटा Cl नेगेटिव बना गैसियस गैसियस, तो ये कौन सी आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझ आते हैं बेटा, तो इसका जो इन ये जो सारा एनर्जी चेंज हो रहा है बेटा, इसका जो टोटल सम है दैट इज योर लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, दैट इज योर लैटिस एंथैल्पी, ओके, सो अब क्या होगा, ये देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बनेगा, अब बनेगा NaCl, ठीक है, अब NaCl बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आया हमारा U, दैट इज जब थ्री आयंस कंबाइन हुए तो क्या बना NaCl, तो ये है आपकी लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस एंथैल्पी क्या आई आपकी, इट इज द सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्यों माइनस क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एनर्जी में सारी एनर्जी रिक्वायर हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में लेते हैं, हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, तो ये आ गया आपकी लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए पहले सारा अगर तो फ्री आयंस है तो जो टोटल चेंज हुआ एनर्जी का तो वो लैटिस एंथैल्पी, बट अगर वो इसका जनरल आइसोलेटेड फॉर्म में है सॉलिड में तो पहले हमें इनको फ्री आयंस बनाना पड़ेगा बेटा, फिर जाके आपकी लैटिस एंथैल्पी आएगी, ठीक है, समझ आ गया, और अगर अच्छा हाँ एक और चीज, इस तरह से जो एनर्जी चेंज आएगा यहाँ पे ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा बेटा, नॉट लैटिस एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो Na और Cl जब अलग अलग स्टेट्स में NaCl आयन बनाते हैं बेटा, तो जो एक मोल को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन फ्री आयन जब कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, आई होप आई एम क्लियर टू यू, ओके, तो इस तरह से हम लैटिस एंथैल्पी क्या करते हैं बेटा, डिटरमाइन करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, ओके, तो ये हो गया आपका, तो तीन चीजें बोली हमने, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम, सेकंड थिंग हमने पढ़ी कि आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए हाई, देखो लैटिस एंथैल्पी भी क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, अरे तो रिलीज हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतना ही एटम उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल हो रहा है बेटा, ठीक है, जहां पे रिलीज है रिलीज हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, और जो रिक्वायर्ड है वो दैट मस्ट बी
एक तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड आपका बच्चा हाई मेल्टिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। सेकेंड थिंग, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, बट इन एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी बेटे, आयनिक बॉन्ड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। और एक इसमें लिख दो, हाँ एक आते हैं बेटा, दे आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होते हैं बेटा, इट मींस कि इनकी कोई शेप नहीं होती है। तुमने कभी इसको बोला क्या एनएसएल की शेप लिखो, एनएसएल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन की शेप हम बनाते हैं पूरी ऐसे 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 बना ना, ऐसे टेट्राहेड्रल, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं बेटा, उनकी शेप्स होती हैं, पर आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल तो दे हैव नो शेप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट मैंने सोचा था आज कर लेंगे, बट अभी कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको हम ऐसा करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। उसमें आपके थोड़ा डिटेल चल जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएंगे, आपका कोवलेंट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर